हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। अब चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है और जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर एंड अदर रेफरेंसेज बुक। ठीक है, जो अदर रेफरेंस बुक हैं, चाहे वो एस सी वर्मा हो या कोई और बुक हो, फिर हम उनसे उनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी हमारे पास में बहुत ज़्यादा काम तो नहीं बचा हुआ है, जितना भी काम बचा हुआ है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे थे बेटा इनडायरेक्ट मैथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की, और इस इनडायरेक्ट मैथड में मैं अभी तक आप लोगों को कौन कौन से मैथड बता चुका हूँ भाई। मैं आपको ईको मेथड बता चुका हूँ, मैं आपको लेज़र मेथड बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को रडार मेथड बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को सोनार मेथड बता चुका हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको पैरालेक्स मेथड बता चुका हूँ। हालांकि पैरालेक्स मेथड पे हमने अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, सिर्फ 2-3 ही प्रॉब्लम हम उसके ऊपर बनाई थी, आज हम उसके ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो हम आपको पैरालेक्स मेथड के बारे में भी बता चुके हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बेटा आगे की। देखिए, तो अभी हम बात करते हैं पैरालेक्स मेथड के ऊपर, नेक्स्ट एग्जाम्पल की, थर्ड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। पैरालेक्स मेथड के ऊपर ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैरालेक्स मेथड के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 की। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 3, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 ये है, मान लीजिए कि ये हमें दिया गया है एक प्लैनेट। ये बेटा हमारे पास में एक प्लैनेट है और ये है हमारे पास में अर्थ। ओके, प्लैनेट का जो डायमीटर है वो अर्थ के सरफेस पर, प्लैनेट का जो डायमीटर है वो अर्थ के सरफेस पर 2 और यहां जो एंगल बन रहा है ना बेटा हमारा, ये एंगल बन रहा है 2 डिग्री 2 मिनट। ये एंगल बन रहा है हमारा 2 डिग्री 2 मिनट, 2 डिग्री 2 मिनट। ओके, अच्छा, प्लैनेट से लेकर अर्थ के बीच का जो गैप हमें दे रखा है, वो है 2 AU। बेटा AU का मतलब आप जानते हो, AU डिस्टेंस की एक बहुत बड़ी यूनिट होती है और इस AU का नाम होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का जो नाम है हमारा वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम एक काम करेंगे, ये जो AU आपको दिख रहा है ना बेटा, इस AU की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। AU की वैल्यू बनेगी हमारे पास में 2 × 1.496 × 10^11 मीटर। ओके स्टूडेंट, AU की वैल्यू हमारी इतनी होती है, AU का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। भाई प्लैनेट का जो डायमीटर है वो कैपिटल D है, प्लैनेट अर्थ के सरफेस पर इतना एंगल सबस्टेंड कर रहा है 2 डिग्री 2 मिनट, हमें बताना है कि प्लैनेट का डायमीटर कितना होगा। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट द डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज b × थीटा। हम लोग जानते हैं कि जो प्लैनेट का डायमीटर होगा उसकी वैल्यू रहेगी b × थीटा। व्हाट इज b? b क्या है? प्लैनेट और अर्थ के जो बीच का गैप है उसे हम नाम देंगे b। और भैया थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा है कि कितना एंगल यहाँ बन रहा है रेडियन में, रेडियन में यहाँ कितना एंगल बन रहा है वो हमारा कहलाएगा थीटा। चलिए बेटा, अभी b तो मेरे पास में है, ये रहा b, ये b है मेरे पास में, लेकिन मेरे पास में ना थीटा नहीं है, थीटा मुझे निकालना है रेडियन में। तो थीटा को रेडियन में निकालने का तरीका है थीटा × 180, और साथ में हम यहाँ रखेंगे थीटा इन डिग्री। देखो बेटा, ये है हमारे पास में फॉर्मूला,
एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एंगल इन डिग्री। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा बेटा, एंगल को कंप्लीटली डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। देखो एंगल हमें कितना दे रखा है, पहले आप ये देखिए कि एंगल हमें गिवन कितना है। एंगल हमें गिवन है 2 डिग्री, ये तो डिग्री में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 के ऊपर ये जो डैश लगा रखा है ना मैंने, इसे बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट। ठीक है बेटा, अब मिनट को बीच में लगाएंगे प्लस, मिनट को डिग्री में चेंज करने का तरीका है 60 से डिवाइड कर दो। मिनट को डिग्री में चेंज करने का तरीका यह है कि 60 से डिवाइड कर दो। तो हम ये कह सकते हैं एंगल इन डिग्री इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, ओके स्टूडेंट, प्लस करेंगे ये एंड डिवाइडेड बाय ये, 60 × 2 = 120, 120 और 2 122 डिवाइडेड बाय 60, और ओवरऑल आंसर आ गया है हमारे पास में डिग्री में, ये निकल गई है थीटा डिग्री की वैल्यू। अब हम निकालते हैं थीटा रेडियन, क्योंकि फॉर्मूले में डिग्री पुट नहीं कर सकते हैं हम, फॉर्मूले में हम रेडियन पुट करेंगे। सो पाई अपॉन 180 और थीटा डिग्री की वैल्यू है हमारे पास में ये 122 डिवाइडेड बाय 60, और ये हो गया है हमारे पास में रेडियन में। लो बेटा ये एंगल अब हमारे पास में रेडियन में आ गया है। देखो सबसे पहले ये जो एंगल हमारा गिवन था ना बेटा, हमने इस एंगल को कम्प्लीटली डिग्री में चेंज किया। कैसे भाई? 2 डिग्री तो है ही हमारे पास में। मिनट को डिग्री में चेंज करने का तरीका यह है कि 60 से डिवाइड करेंगे और 2 डिग्री में ऐड कर देंगे। तो ये निकल गया हमारा एंगल इन कम्प्लीटली डिग्री, डिग्री में निकल गया कम्प्लीटली एंगल। समझ में आ रही बात? और अगर इस एंगल को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है पाई अपॉन 180 से। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पुट करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पुट करेंगे। सो डायमीटर इज इक्वल टू, ये जो बी आपको दिख रहा है, इस बी की वैल्यू है हमारे पास में 2 × 1.496 × 10^11 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 122 अपॉन 60। लो बेटा सॉल्व करोगे तो ये पूरा आंसर आप लोगों का निकल कर आ जाएगा मीटर में। आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो यार सॉल्व तो तुम लोगों को ही करना पड़ेगा, अब कैलकुलेशन करने के लिए तो मैं नहीं आऊँगा आपके पास में, कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी यहाँ भी और एग्ज़ाम में भी, बिना कैलकुलेटर बिना मोबाइल का यूज़ किए हुए। जितना कैलकुलेशन को अपने हाथ से करोगे उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, उतना कंसेप्ट्स को आप अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए और पूरा आंसर आपका निकल कर आ जाएगा मीटर में कि भाई इतना डायमीटर हमारा होने वाला है इस प्लैनेट का। ठीक है, करिए जल्दी से नोट आउट। ओके बेटा, तो ये है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल नंबर 3। देखो अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेटा अपने पास में। देखो भाई बेटा, ये हमें दिया गया है एक प्लैनेट, ओके, और यहाँ हमें दिया गया है एक दूसरा प्लैनेट। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार अर्थ को ही लो, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार अर्थ को ही लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्लैनेट ये है और एक प्लैनेट हमारे पास में है ये। ठीक है बेटा, इस प्लैनेट का जो डायमीटर है वो ये है, इस प्लैनेट का जो डायमीटर है वो ये है, और ये डायमीटर यहाँ इस प्लैनेट पर, ये डायमीटर यहाँ इस प्लैनेट पर कुछ एंगल सबस्टेंड कर रहा है बेटा, यहाँ कुछ एंगल बना रहा है, और ये एंगल हमें दे रखी है 1 degree 1 minute 1 second। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया समझने वाली प्रॉब्लम है। और डायमीटर की जो वैल्यू हमें दे रखी है, देखिए ध्यान से, डायमीटर हमें दिया गया है 10^8 meter। डायमीटर हमें इतना गिवन दिया गया है 10^8 meter। आपको बताना है कि इन दोनों प्लैनेट्स के बीच का गैप कितना होगा, बी कितना होने वाला है, आपको ये बताना है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी,
दिख रहा है बच्चों आप लोगों को बी? बहुत बढ़िया, आपको ये बी बताना है कि ये बी कितना होने वाला है। अभी तो मैं आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, जैसे ही ये काम हमारा ख़त्म हो जाएगा हम कुछ लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम लेकर आएंगे आपके सामने, जिससे कि आप लैंग्वेज पढ़कर कंफ्यूज ना हो जाएं और आप उन प्रॉब्लम को आसानी से बना दें बेटा, ठीक है? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी आप सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा आखिर के दो दिन हम सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे विद लैंग्वेज, यानी क्वेश्चंस की लैंग्वेज लेकर आएंगे बोर्ड पर आपको दिखाएंगे और उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये है हमारे पास में प्रॉब्लम, अब हम क्या लिखने वाले हैं? हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज बी इंटू थीटा। देखो बेटा ये है कंसेप्ट हमारे पास में कि प्लैनेट का जो डायमीटर होगा उसकी वैल्यू रहेगी बी इंटू थीटा, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है भाई, अब आप देखो मेरे पास में बी नहीं है, मुझे बी फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी डायमीटर अपॉन थीटा, और ये जो थीटा है आप लोगों का ये होना चाहिए रेडियन में, कहाँ में होना चाहिए? रेडियन में, एंगल आपका रेडियन में होना चाहिए। गिवन आपको डिग्री में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, और ये डबल बार का मतलब है सेकंड में आपको दे रखा है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल इन डिग्री, सबसे पहले हम डिग्री में एंगल निकालते हैं। देखो 1 डिग्री तो हमारा पहले से है, 1 डिग्री, बीच में लगाएंगे प्लस, ये है हमारे पास में 1 मिनट। 1 मिनट को डिग्री में बदलने का तरीका है 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बदल जाएगा डिग्री में। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में है 1 और डबल डैश का मतलब है, ये जो डबल डैश मैंने यहाँ लगा रखा है ना बेटा, इस डबल डैश का मतलब है सेकंड, और सेकंड को डिग्री में बदलने का तरीका है 1/3600। अगर आपको सेकंड को डिग्री में बदलना है तो 3600 से आप डिवाइड करेंगे, और अगर मिनट को डिग्री में बदलना है तो आप 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ गई है हमारे पास में एंगल की वैल्यू। देखो बेटा कितना निकल कर आएगा एंगल, LCM आ जाएगा हमारे पास में 3600, यहाँ आएगा हमारे पास में 3600, यहाँ आएगा 60 और यहाँ आएगा 1, समझ रहे हो बेटा? अब आप देखो क्या कंडीशन हमारे पास में बनी, 3600 60 + 1 3661 / 3600, और ये पूरा एंगल आ गया हमारा डिग्री में, यानी ये जो एंगल हम लोगों को दे रखा था ना बेटा, ये डिग्री में मिनट में सेकंड में इस चीज़ में हमें दे रखा था, हमने इस एंगल को कम्प्लीटली डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया और सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड किया। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो बेटा हमारा आंसर आ चुका है एंगल इन डिग्री, अब हमें एंगल चाहिए रेडियन में, एंगल हमें कहाँ में चाहिए? रेडियन में। अब रेडियन में हम कैसे निकालेंगे एंगल? डिग्री में ये रहा हमारे पास में, हमें चाहिए रेडियन में, तो हम एक काम करेंगे पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे इस एंगल से, 3661 / 3600, हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो ये एंगल आ गया हमारे पास में रेडियन में। बेटा ये एंगल आ गया है हमारे पास में रेडियन में, ठीक है, निकाल दिया ना हमने एंगल रेडियन में। लेकिन खाली यही नहीं निकालना था हम लोगों को, हमें और भी चीज़ें निकालनी है। एंगल हमारा रेडियन में आ चुका है, हमें निकालना है बेटा बी। अब बी की जो वैल्यू होगी वो होगी थीटा अपॉन कैपिटल डी। देखो ध्यान से, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है बेटा, ये होगा बी इज इक्वल टू डी अपॉन थीटा। अब कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है आपकी, ज़रा देखिए, कैपिटल डी की वैल्यू है 10^8, ठीक है बेटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 180 इंटू 3661 / 3600। अब मैं फिर वही बात कहूँगा कि कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना इतना मुश्किल काम तो है नहीं कि आप लोग ना कर पाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन बस यहीं पर है और आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आप लोगों का निकल जाएगा बेटा मीटर में। आंसर कहाँ में निकलेगा? मीटर में, और बी फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। बी का मतलब है इन दोनों प्लैनेट्स के बीच का गैप कितना है,
इतना गैप होगा इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। थोड़ा कैलकुलेशन संभाल के करनी है बेटा आप लोगों को, ठीक है, अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करनी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, और ये है हमारा फाइनल एग्जाम्पल इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल को करने के बाद आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखो भाई, एक प्लैनेट हमें दे रखा है यहां पर और एक प्लैनेट हमें दिया है यहां पर, समझ रहे हो आप लोग, एक प्लैनेट यहां है और एक प्लैनेट यहां है। ये इस प्लैनेट का डायमीटर है और इस प्लैनेट का जो डायमीटर है वो दूसरे प्लैनेट पर इतना एंगल सब्सटेंड करता है बेटा, इतना एंगल सब्सटेंड करता है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इतना एंगल सब्सटेंड होता है यहां से ये, ठीक है। अच्छा, इस बार हम लोगों को दे रखा है यहां से यहां तक कैपिटल डी, और कैपिटल डी की वैल्यू है 10^7 meters, दिख रहा है आप लोगों को, कैपिटल डी हमें गिवन दिया गया है 10^7 meters। अच्छा, दोनों प्लैनेट्स के जो बीच का गैप हमें दे रखा है बी, दोनों प्लैनेट्स के जो बीच का गैप हमें दे रखा है बी, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10^10 meters। देखो बेटा ध्यान से, इस प्लैनेट का जो डायमीटर हमें दिया है वो है 10^7 meters और इन दोनों के जो बीच का गैप है बी वो हमें दिया है 10^10 meters। हमें ये बताना है कि ये जो वाइट वाला प्लैनेट है वो यहाँ पर कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है, ये जो वाइट वाला प्लैनेट आपको दिख रहा है ना बेटा, ये इस दूसरे प्लैनेट पर कितना एंगल बना रहा है ये हमें बताना है, ये वाइट वाला प्लैनेट यहां कितना एंगल बना रहा है ये हम लोगों को बेटा बताना है, ठीक है। तो चलिए हम अपने कंसेप्ट को लगाते हैं और देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। भाई हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू बी इंटू थीटा, ठीक है बेटा, बोलो होता है या नहीं होता है, ये जो कैपिटल डी है हमारा ये बी और थीटा की मल्टीप्लाई के बराबर है। अच्छा, अब हमारे पास में यहाँ पर कैपिटल डी भी है, हमारे पास में यहाँ पर बी भी है, हमारे पास में यहाँ क्या नहीं है, हमारे पास में यहाँ थीटा नहीं है और वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास में कैपिटल डी अपॉन स्मॉल बी, थीटा की जो वैल्यू निकल गई है ना बेटा हमारे पास में, वो निकल गई है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल बी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल बी। होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही हो बात, कोई परेशानी यहां तक ना हो। अब कैपिटल डी कितना है भाई आपके पास में, कैपिटल डी है 10^7 और कैपिटल बी कितनी है 10^10। कैपिटल डी की वैल्यू है 10^7 और बी की वैल्यू है 10^10। जब हमने यहां से इसे सॉल्व किया तो ये वैल्यू निकल गई हमारे पास में 10^-3, 10^-3, और एंगल की थीटा की ये जो वैल्यू निकल कर आई है ना बेटा आपके पास में, थीटा की ये जो वैल्यू निकल कर आई है आपके पास में ये रेडियन में निकल कर आई है, थीटा की ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है रेडियन में, ध्यान रखिएगा बेटा, थीटा की ये वैल्यू आपकी रेडियन में निकल कर आई है, रेडियन में, ठीक है। अब हमें इस रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, थीटा हमारा रेडियन में निकल चुका है, अब इस रेडियन को हम बदलेंगे डिग्री में। रेडियन को डिग्री में हम कैसे बदलेंगे जरा देखो भाई, हमारे पास में फॉर्मूला है ये, थीटा रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 और यहाँ है हमारे पास में थीटा डिग्री। फॉर्मूले से जो थीटा की वैल्यू हमने निकाली है वो थीटा रेडियन निकाली है, यानी फॉर्मूले में ये जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है। अब हमें थीटा चाहिए डिग्री में, ये थीटा डिग्री में चाहिए हमें, सो थीटा इन डिग्री ये हो जाएगा हमारे पास में 180 अपॉन पाई और यहाँ हो जाएगा थीटा इन रेडियन। ओके स्टूडेंट, देखिए आगे, थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन
पाई की वैल्यू कितनी है भाई? आप सभी लोग जानते हैं पाई की वैल्यू है 3.14, और रेडियन कितना निकल कर आया? 10^-3। लो सर, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा आप लोगों का डिग्री में कि इतना एंगल हमारा होने वाला है डिग्री में। ये प्लैनेट इस प्लैनेट पर डिग्री में इतना एंगल बनाएगा। देखो यार, सही मायने में बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैपिटल डी भी हमारे पास में है, स्मॉल बी भी हमारे पास में है, तो हमने थीटा निकाल दी और थीटा आ गया इतना। फॉर्मूले में ये जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है, तो थीटा रेडियन में हमारा इतना निकल कर आ गया। लेकिन हमें रेडियन में नहीं चाहिए, एंगल के दो यूनिट होती हैं, एक रेडियन और एक डिग्री। रेडियन में आ गया, अब हमें इस रेडियन को बदलना है डिग्री में, और रेडियन को डिग्री में बदलने का ये फॉर्मूला है हमारे पास में, हमें ये चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले गए, सॉल्व किया, वैल्यूज पुट करी, तो इतने डिग्री हमारा आंसर आएगा कि ये प्लैनेट इस प्लैनेट पर इतने डिग्री का एंगल सबस्टेंड करेगा, इतने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बेटा एग्जाम्पल हो गए हैं हमारे पास में 5 एग्जाम्पल हमारे पास में हो गए हैं। उम्मीद है कि इन 5 एग्जाम्पल को करने के बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं और फिर हम लोग बात करेंगे बेटा आगे, ठीक है? करिए आप लोग जल्दी से नोट डाउन। ओके, ठीक है बच्चों, समझ आ गया सभी लोगों को कंसेप्ट? बहुत बढ़िया। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं भाई, जो आप लोगों को अपने आप से बनाना है। एक प्लैनेट हमें गिवन दिया है यहां पर, ठीक है बच्चों, और एक प्लैनेट हमें गिवन दिया है यहां पर, एक प्लैनेट हमें गिवन दिया है यहां पर, ठीक है? दो प्लैनेट है हमारे पास में, अब ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके बाद ये है इसका डायमीटर, ठीक, और ये जो इसका डायमीटर है ये दूसरे प्लैनेट पर, यानी यहां पर ये इसका डायमीटर है, ये दूसरे प्लैनेट पर यानी यहां पर कुछ एंगल सबस्टेंड करता है, यहां कुछ एंगल बनता है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू है 2 डिग्री, उसके बाद में है 20 मिनट, और उसके बाद में है 60 सेकेंड, इतना एंगल बन रहा है भाई, ठीक है? और इन दोनों के बीच का जो गैप हम लोगों को दे रखा है, ये गैप है हमारे पास में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन दोनों के बीच का गैप है हमारे पास में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है जो आप लोगों को खुद ब खुद बनाना है बेटा, ठीक है? हमें बताना है कि इसका साइज कितना होगा। देखो, साइज का दूसरा मतलब डायमीटर से होता है, साइज का दूसरा मतलब डायमीटर से है। हमें बताना है कि जो ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है इसका साइज कितना होने वाला है, ठीक है? एक तो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ भाई, फॉर्मूला है कैपिटल डी इज इक्वल टू बी इंटू थीटा। ओके, थीटा होना चाहिए आपका रेडियन में। थीटा कहे में होना चाहिए? थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। एक मैं आपके सामने एंगल निकाल देता हूं बेटा, एंगल कैसे निकलेगा? थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू, देखो ये 2 डिग्री है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में ये 20 मिनट है, इसे हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये बदल जाएगा हमारा डिग्री में। इसके बाद ये 60 सेकेंड है, इसे हम डिवाइड करेंगे 3600 से, ये भी बदल जाएगा हमारा डिग्री में। ये आ गया हमारा डिग्री, 20 को 60 से डिवाइड किया और 60 को 3600 से डिवाइड किया। अब इस थीटा को बदलना पड़ेगा रेडियन में, कैसे? पाई अपॉन 180 इंटू थीटा इंटू डिग्री मेजरमेंट, ये थीटा रेडियन आपका निकल जाएगा। बी आपके पास में है, बी ये रहा आपके पास में, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है 1.496 × 10^11 मीटर। यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, इस बी की जगह रखेंगे, यहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे, थीटा रेडियन निकल जाएगा, यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से आपका निकल जाएगा डायमीटर।
तो बेटा ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों का होमवर्क, जो आप सभी लोगों को करने के बाद में मेरे पास में करना है सेंड, ठीक है। ये आप सभी लोगों को मतलब क्वेश्चन तो सारे सेंड करने हैं आप लोगों को, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना है, खुद ब खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बनाइए और फिर हमें सेंड करिए, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है इस चैप्टर में, मुश्किल से एक या दो टॉपिक बचे हैं, जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, फिर काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। ओके, बना लिया है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके सामने लिखता हूँ भाई। पॉइंट है अनदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है बेटा। मैंने आपको लेंथ की तीन यूनिट बताई थी स्टूडेंट। अनदर यूनिट ऑफ लेंथ में अगर आपको याद हो कि जब हम बड़ी डिस्टेंस मापते हैं तो हम लेंथ की तीन प्रैक्टिकल यूनिट्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी हैं वो लेंथ की तीन प्रैक्टिकल यूनिट? एक यूनिट को हम बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है बेटा, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम इसे डिनोट करते हैं वन AU से, और इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। समझ आ रही है बात? हमारे पास में जो नंबर वन डिस्टेंस है बेटा वो है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू है हमारे पास में 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ओके, अच्छा अब इसकी डेफिनेशन आप लोग सुन लीजिए बच्चों, डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में ना लिख लीजिएगा। देखो बच्चों, आप जानते हो कि हमारी अर्थ की ऑर्बिट की जो शेप है वो ऐसी है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ कहीं रखा हुआ है सन, ये सन है बेटा, ठीक है। कुछ देर के बाद ये अर्थ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, फिर ये अर्थ यहाँ पहुँच जाएगी, फिर ये अर्थ यहाँ पहुँचेगी, फिर ये अर्थ यहाँ पहुँचेगी, फिर ये अर्थ यहाँ पहुँचेगी, फिर ये अर्थ यहाँ पहुँचेगी। तो ये है अर्थ और सन के बीच का गैप, ये भी इन दोनों के बीच का गैप है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। समझ रहे हो आप लोगों? यानी अर्थ के और सन के जो बीच का गैप है ना बेटा वो फिक्स नहीं है, कभी बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है। देखो जब अर्थ यहाँ है तो अर्थ से लेकर सन के बीच का गैप इतना है, जब अर्थ यहाँ चली गई तो गैप थोड़ा सा कम रह गया, जब अर्थ यहाँ चली गई तो गैप और कम रह गया, अर्थ यहाँ पहुँच गई तो गैप और कम रह गया, अर्थ यहाँ चली गई तो गैप और कम रह गया, अर्थ यहाँ चली गई तो गैप और कम, फिर गैप बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो हम ये कहते हैं बेटा कि अर्थ और सन के जो बीच का गैप है वो फिक्स नहीं है, वो घटता रहता है, वो बढ़ता रहता है। तो कंडीशन हमारे पास में ये आती है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे हम नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का बेटा, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है। अब आपके सामने डेफिनेशन भी आ चुकी है बेटा, डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है। क्या है डेफिनेशन? अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज गैप है, एवरेज क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अर्थ और सन के बीच का गैप फिक्स नहीं है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। भाई हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ ऐसी ऑर्बिट पर घूमती है, जब अर्थ यहाँ होगी तो इनके बीच का गैप ज़्यादा होगा, अर्थ यहाँ होगी तो गैप कम हो गया, अर्थ यहाँ है तो गैप और कम हो गया, यानी गैप कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो हमने ले लिया है सन और अर्थ के बीच का एक एवरेज गैप, और वो एवरेज गैप है इतना, और उस एवरेज गैप को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये हो गई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन और ये हो गई है वैल्यू। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई हो बात, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके बेटा, देखो अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर। भाई दूसरे नंबर पर हमारे सामने आता है लाइट ईयर,
ठीक है, यानी डिस्टेंस को मापने की जो दूसरी सबसे बड़ी यूनिट है उसे हम लोग नाम देते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर का यूज भी हम जर्नली डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ही करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा आप लोग। लाइट ईयर का जो हम यूज करते हैं ना, इसका यूज भी हम जर्नली डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ही करते हैं। अब कैसे हम लाइट ईयर का यूज करेंगे ये आप लोग समझेंगे जरा ध्यान से। पहले लाइट ईयर की वैल्यू आप लिख लीजिए बेटा। लाइट ईयर को हम लोग डिनोट करते हैं इससे 1 LY, 1 light year, और इसकी वैल्यू है हमारे पास में 9.46 × 10^15 meter, 9.46 × 10^15 meter, 9.46 × 10^15 meter। अब आप सुनिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन देखो बेटा, आप जानते हैं कि लाइट बहुत तेज चलती है, ये लाइट है, लाइट बहुत तेज चलती है और लाइट की स्पीड होती है 299,792,458 meter per second। ठीक है स्टूडेंट, ये लाइट की स्पीड है बेटा, लाइट बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलती है लाइट। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, लाइट इतना तेज चलती है कि एक सेकंड में लाइट इस पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा सकती है। एक सेकंड में लाइट इस पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा सकती है, लाइट इतना तेज चलती है बच्चों। यानी अगर हम लाइट से चलने वाला कोई व्हीकल बना दे या कोई एयरक्राफ्ट हम लाइट की स्पीड से चलने वाला बना दे तो हम एक सेकंड में, समझ में आ रही बात, एक सेकंड में इस पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा लेंगे, इतना तेजी के साथ लाइट चलती है। अब दोबारा से लौट कर आइए लाइट ईयर की डेफिनेशन पर। क्या है लाइट ईयर की डेफिनेशन? लाइट इतना तेज चलती है, एक सेकंड में इतने मीटर जाती है। अगर यही लाइट निरंतर तौर पर 1 साल तक चलती ही चलती रहे तो 1 साल में ये लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वही डिस्टेंस हमारी कहलाएगी 1 light year। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर लाइट 1 साल तक चलती ही चलती रहे, मूव ही मूव करती रहे, समझ में आ रही बात, तो 1 साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वही हमारी लाइट ईयर कहलाएगी। सो हम ये कह सकते हैं बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year कॉल्ड लाइट ईयर। Distance traveled by light in 1 year called light year and it is denoted by ly। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1 light year की जो वैल्यू है वो इतनी है, यानी लाइट 1 साल में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लाइट 1 साल में इतनी डिस्टेंस चलती है बेटा, इतनी डिस्टेंस, समझ में आ रही बात। अब तुम खुद अनुमान लगाओ कि 1 सेकंड में लाइट इस पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा सकती है तो 1 साल में वो कितना आगे चली जाएगी, और जितना भी आगे चली जाएगी उसे हम नाम देंगे लाइट ईयर। क्या नाम देंगे? लाइट ईयर। इससे जस्ट पहले मैं पढ़कर आया हूँ 1 astronomical unit जिसकी वैल्यू है हमारे पास में 1.496 × 10^11 meter और ये है हमारे पास में लाइट ईयर की वैल्यू और ये है उसकी डेफिनेशन। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट, अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास में आता है ना बेटा, तीसरे नंबर पर जो हमारे पास में आता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, आप सिर्फ इसकी वैल्यू लिखेंगे और वो है पारसेक, और इसकी वैल्यू है 3.08 × 10^16 meter, 3.08 × 10^16 meter। इसकी डेफिनेशन ऐसे समझाई नहीं जाएगी, NCERT में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बिहाफ पर मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आप सिर्फ वैल्यू लिख लीजिए कि भैया पारसेक की जो वैल्यू है
ये हमारे पास में प्रैक्टिकल तौर पर लंबाई को मापने की सबसे बड़ी यूनिट है, नाम है पार्सेक, और इसकी वैल्यू है 3.08 × 10^16 मीटर। एक है लाइट ईयर और एक है हमारे पास में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उम्मीद है कि ये तीनों कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी बेटा, करिए आप लोग जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। ओके बच्चों, तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बेटा, ठीक है? अभी तक की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा भाई? सबसे पहले हमने आते ही आपको एक एग्जाम्पल बताया है पैरालेक्स मेथड के ऊपर बेस्ड। ये एग्जाम्पल हमारा पैरालेक्स मेथड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? फिर हमने एक और एग्जाम्पल आपको बताया पैरालेक्स मेथड के ऊपर बेस्ड। ये दोनों एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में ध्यान से नोट करिएगा और ध्यान से इनकी कैलकुलेशन करिएगा। फिर हमने एक और एग्जाम्पल आपको बताया पैरालेक्स मेथड के ऊपर बेस्ड, ठीक है? फिर हमने एक एग्जाम्पल आपको करने के लिए दिया, ये आपको होमवर्क है जो आप लोगों को खुद से बनाना है बेटा, ठीक है? इसके बाद में ये है हमारे पास में एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की डेफिनेशन, कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है और क्या उसकी वैल्यू होती है। तो हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन और उसकी वैल्यू आपको समझा दी है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास में आता है लाइट ईयर, ये हमने समझा दिया है आपको लाइट ईयर के बारे में भाई, कि लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या है और लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास में आता है पार्सेक, हमने आपको पार्सेक के बारे में बता दिया है और उसकी वैल्यू हमने आपको बता दी है बेटा। देखो स्टूडेंट, आप लोग काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और मैं आप लोगों के काम से खुश भी हूँ, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बढ़ाएं। देखो अभी आप लोगों की 11th क्लास है बेटा, अगर अभी से आप लापरवाही में आ गए ना, तो जो गोल आप लोगों ने सेट कर रखा है अपने कैरियर के लिए, वो गोल आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने जो अपने कैरियर के लिए गोल सेट किया है, चाहे वो नीट एग्ज़ाम है, चाहे वो JEE एग्ज़ाम है या कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर ही बनेगा, कुछ और भी बन सकता है भाई, ठीक है ना? तो जो भी आप लोगों ने गोल सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके कंसेप्ट्स का क्लियर होना। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप चीज़ों को रटोगे, तो बेटा ना कभी आप फिजिक्स समझ पाओगे, ना कभी केमिस्ट्री समझ पाओगे, ना मैथ्स, ना बायोलॉजी। तो 11th क्लास से भले ही आपने 10th क्लास तक कैसे भी कुछ भी कैसा भी काम किया है, उसे छोड़ दीजिए आप लोग। 11th से आप ये समझिए कि तुम्हें एक नया जीवन मिला है, तुमने एक नई शुरुआत की है बिल्कुल। और 11th क्लास से जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसका एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ बेटा। बच्चे सोचते हैं कि यार हम यहाँ से तैयारी कर लें, हम ये बुक पढ़ लें, हम ये मटेरियल पढ़ लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हमारा मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा JEE में सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन पाने का मात्र एक मूल मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ एक, और वो है प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, उतना अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे बेटा। आप कितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए, जो नीट को क्रैक करते हैं या नीट के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं, या एम्स के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं, या JEE के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं, या CBSE बोर्ड के टॉपर हैं, वो सभी आप लोग एक बात कहेंगे कि भाई हमने एक तो निरंतर तौर पर पढ़ा, कॉन्टीन्यूअस तौर पर पढ़ा, बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस तौर पर, हमने कभी बीच में गैप नहीं लिया, ठीक है? नहीं, बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस तौर पर पढ़ा, बहुत फोकस होकर पढ़ा। और दूसरे सबसे बढ़िया चीज़ है कि हमने भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, हमने अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम बनाई। तो जितना आप अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम बनाएंगे, जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी 11th क्लास है भाई, आप लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, सही मायने में बता रहा हूँ। मैं 3-4 बैच रन कर रहा हूँ 11th क्लास के, लेकिन मैं देखा हूँ कि इस साल बच्चों के अंदर बढ़िया पोटेंशियल है, और अगर वो करना चाहते हैं ना, तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं यार। कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बेटा एक तो जो भी आपने अपना टारगेट सेट किया है, उसी के हिसाब से अपना मटेरियल चूज़ करिए। NCERT और NCERT एग्जाम्पलर करना तो मस्ट है बिल्कुल, NCERT और NCERT एग्जाम्पलर तो करनी ही करनी है। इसके बाद में जो JEE वाले स्टूडेंट हैं, वो SC वर्मा करेंगे,
और जो नीट वाले स्टूडेंट हैं वो NCERT फिंगर टिप्स करेंगे, NCERT फिंगर टिप्स करेंगे और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी से लगाने स्टार्ट करेंगे। और जो JEE वाले स्टूडेंट हैं वो NCERT एग्जाम्पलर, SC वर्मा और JEE की प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम लगाएंगे, अभी से लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप मेरे गाइडेंस में चलें या हमारे इंस्टीट्यूट के गाइडेंस में चलें जब आप यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग काम करके देखिए बेटा, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को काम करने में, हमें भी पढ़ाने में आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है भाई, आज सैटरडे है, आज की क्लास की ड्यूरेशन आप लोगों की शॉर्ट ही रहेगी क्योंकि शाम को भी आपसे मुलाकात करनी है। शाम को लगभग 5 या 5:30 बजे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका एक लाइव सेशन रहने वाला है जिसमें हम आपसे बातचीत करेंगे, जो भी आपकी समस्याएं होंगी और वो समस्याएं सुनेंगे, उनका कुछ सॉल्यूशन आप लोगों को देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और बहुत जल्द आप लोगों की जो क्लास है बेटा वो ऑफलाइन शिफ्ट होने वाली है, उस कंडीशन में हम आपको दोनों ऑप्शन देकर रखेंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, आप जो चाहे वो ऑप्शन अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, बाय।